हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो आंसर की आने वाली थी, आरआरबी ने फाइनली उसकी लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। सीबीटी 1 की जो है आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो कैसे हम लिंक से चेक कर सकते हैं, किस टाइप से हमें चेक करना पड़ेगा हमें हमारी आंसर की, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई ऑब्जेक्शन आपको लेना हो कोई क्वेश्चन पर, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑफिशियल लिंक को ओपन कर रखा है जिस पर आप अपनी आंसर की दे सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑफिशियल लिंक पर हमने हमने ओपन कर रखा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो किस प्रकार से हमें चेक करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। जब आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जब फॉर्म भरा था तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर फिल करना और आपको यहाँ पर DDMMYYY के थ्रू मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है। पासवर्ड के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, पासवर्ड के लिए कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के लॉगिन करेंगे तो आपका अपना होम पेज खुल जाएगा, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको लॉगिन करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिंक के थ्रू अपनी मतलब डिटेल डाल करके एक कैंडिडेट की डाल करके हमने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट डिटेल मिल जाएगा, नीचे आपका उम्मीदवार का नाम वगैरह मिल जाएगा और यहाँ पर आपके कैंडिडेट रिस्पांस, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेपर अपना खुल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो कैंडिडेट रिस्पांस को क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेरेंस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर जो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा, डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, क्लिक हेयर टू जनरेट इट, ठीक है। मतलब आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, आप इसको क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने उसे क्लिक किया था तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पेपर खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर खुला तो ये इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन और आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका जैसे ये क्वेश्चन है एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इसमें बताया गया 3 घंटे एक साथ बजना शुरू करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये है, ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा होगा ग्रीन टिक, जो ग्रीन टिक है वो आरआरबी का आंसर होगा और यहाँ पर ये जो है ये कैंडिडेट का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 01 ये 1 ये फर्स्ट चूजन ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट ने ये आंसर को सिलेक्ट किया है फर्स्ट नंबर को और आरआरबी का ये फर्स्ट नंबर का ही आंसर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक अगर हम गलत क्वेश्चन को देखेंगे तो नीचे आएंगे, जैसे मैंने इस कैंडिडेट की आंसर की देखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसमें जो आरआरबी का जो आंसर है वो सिलिका है, ठीक है। परंतु कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या लगाया है, ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया था, ठीक है, ग्रेफाइट उसका आंसर चूज़ किया था, तो ये उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये याद रखिएगा कि ये जो है आरआरबी का, इधर जो है आरआरबी का आंसर है और इधर ये कैंडिडेट का सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे हमें डाउनलोड कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, तो इस बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रिंट का सबसे ऊपर कोने में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर जो है प्रिंट हो जाएगा, तब आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल में अपने सेव कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस पर आप किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कैसे लगते हैं इस बारे में भी हम एक वीडियो आपको बनाकर बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस आंसर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।